हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर किचन एट इनहांस योर डिफरेंट स्किल्स। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम नहीं है तो भीषण गर्मी है, और इस मौसम में जब आपको ठंडा ठंडा कूल कूल वो भी आइसक्रीम के रूप में घर पे ही मिल जाए तो क्या कहना। जब बच्चे स्कूल से आते हैं या कहीं आप बाहर से आते हो तो घर में जो है इस तरह से आइसक्रीम आपको खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इस गर्मी के मौसम में जो है ये आइसक्रीम बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में ऑरेंज आइसक्रीम आप घर पर बना सकते हैं। बच्चों का भी फेवरेट, बड़े भी बहुत ही पसंद करके खाएंगे क्योंकि ये गर्मी से तो राहत देगा ही और टेस्ट और फ्लेवर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसे बनाना उतना ही इजी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजी वे में इसे घर पे बनाकर एंजॉय करें और सभी को खिलाएं, सभी को पसंद आएंगे। और जब आप इस तरह के आइसक्रीम घर पर बनाओगे ना तो आप हमेशा बनाओगे क्योंकि सभी का डिमांड हमेशा रहेगा इस गर्मी के मौसम में। तो देखिए कि मैंने ये ऑरेंज आइसक्रीम घर पर ही कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने पहले से ही ऑरेंज कट करके रखा हुआ है और दोनों तरह के मैंने ऑरेंज लिया है और इसे जो है बीच से ही मैंने कट करके रखा है। अब इसके जूस को निकाल लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पे हैंड विस्कर के हेल्प से इसके सारे जूस एकदम बहुत इजी वे में ये निकल जाता है। मैंने नीचे जो है एक छन्ना भी रखा है छानने के लिए ताकि सारे जूस में जो भी बीज वगैरह एक्स्ट्रा जो पल्प वगैरह है वो ऊपर ही रह जाए और नीचे जो है जूस चला जाए। इस तरह से बहुत ही ईजी वे में देखिए सारे जूस मैंने निकाल लिया है। और याद रखिए जो आप ऑरेंज ले वो फ्रेश ही हो ताकि जो आइसक्रीम बने बहुत ही टेस्टी लगे। और फ्रेश फ्रूट्स का आइसक्रीम तो और भी हेल्दी भी होता है। तो सारे से मैं इसी तरह से जूस निकाल लूँगी। और मैंने उस तरह का भी ऑरेंजेस लिया है, इसे माल्टा कहते हैं ना, आपके साइड में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट ये ऑरेंज नहीं बल्कि इसे माल्टा कहते हैं। और मैंने कुछ ऑरेंजेस के पीसेस भी लिया है ना। आप चाहे तो एक ही तरह के ऑरेंज ले सकते हैं, मेरे पास अभी ये दोनों अवेलेबल था इसी क्वांटिटी में तो मैंने ले लिया। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप इसके जूस को निकाल सकते हैं। अब जो मेरे पास ऑरेंज के जो पीसेस हैं जो मैंने पहले से ही छिलकर रखा है उसे मैसर के हेल्प से उसे जूस निकाल लें, है ना, बिल्कुल इजी निकालना जूस। जब भी ऑरेंज जूस पीने का मूड हो तो आप इस तरह से इजी वे में ऑरेंज जूस घर पर निकाल सकते हैं और बहुत ही इजी है। बट हमें तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाना है तो इस तरह से देखिए जूस जो है बिल्कुल निकल गया, ये पल्प्स जो है ऊपर रह गए और ना ही कोई बीज वगैरह नीचे जाएगा छन्ना के कारण और ना ही जो एक्स्ट्रा जो पल्प होंगे ऊपर ही रह जाएंगे। इस तरह से ये जूस जो है इतना मैंने निकाल लिया है। अब चलते हैं आइसक्रीम के नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें 2 कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी 2 कप है क्योंकि जूस जो है ऑरेंज जूस 1 कप के करीब मेरा निकला हुआ है, है ना, पानी उसी के अनुसार डालें। और ये चला गया चीनी। चीनी का क्वांटिटी आपके ऑरेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना खट्टा है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है चीनी ले लिया, इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 कप के करीब जो है ऑरेंज जूस निकल गया है और ये थोड़ा खट्टा है तो चीनी का क्वांटिटी आप अच्छा रखें। ये 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर है, इसे मैं रूम टेम्परेचर के पानी के साथ इसका घोल तैयार कर लूँगी। और ऑरेंज अगर खट्टा होगा तो चीनी का क्वांटिटी भी उसी के अनुसार ले। वैसे भी आइसक्रीम में थोड़ा चीनी ज़्यादा होता तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, कम नहीं डालें, ज़्यादा ही डालें क्योंकि खट्टा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट कर गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए ये मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐड करें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। ये चला गया कॉर्नफ्लावर का घोल। ये कॉर्नफ्लावर के घोल डालने से जो आइसक्रीम का जो टेक्सचर है थोड़ा सा अच्छा आता है, है ना। देखिए बस 1 मिनट इस कॉर्नफ्लावर के घोल को इसके साथ जो है पका लेना है और फ्लेम को बंद कर दिया मैंने। अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी ये जूस जो मैंने ऑरेंज जूस निकाला हुआ था, है ना। फ्लेम को बंद करके ये ऑरेंज जूस डालें नहीं तो फिर एक अजीब सा फ्लेवर आ जाएगा। आप ऑरेंज जूस डालकर इसे अच्छे से जो है ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे मोल्ड में डालेंगे या फिर आप ग्लास में चाहें तो उसमें डाल दें। यहाँ पे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने ऐड किया काला नमक, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, आई थिंक 1/4 चम्मच, उससे भी कम, है ना, वो ताकि थोड़ा सा अच्छा जो आइसक्रीम हम लोग ऑरेंज आइसक्रीम जो ठेले पर का खाते हैं ना उसमें काला नमक का भी टेस्ट रहता है, खट्टा मीठा नमकीन। अब ये जो है ठंडा हो चुका है, इसे मैं मोल्ड में डाल ले रही हूँ।
ये मोल्ड बहुत ही इजी वे में आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बहुत ही कम रेट में ये मिल जाता है इजीली। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है। तो इस तरह से ये से फुल ना भरे याद रखें, क्योंकि ऊपर से आप जब इसे कवर करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा आप इसे वैकेंसी रहने दें, है ना। बहुत ही इजी वे में ये जो है आइसक्रीम बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस गर्मी के मौसम में खट्टा मीठा ये ऑरेंज आइसक्रीम सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो अब ठेले पर के आइसक्रीम का इंतज़ार करना बंद करें और घर पे ही इसे बनाएं, ऊपर से इसे कवर कर लें स्टिक लगाकर। अब इसे मैं ओवरनाइट जो है फ्रीज़र में रख दूँगी, आप चाहें तो 7 से 8 घंटा तो ये पक्का है लग जाएगा। तो चूंकि मैं रात में बना रही हूँ तो इसे ओवरनाइट मैं रात में रख दूँगी और उसके बाद देखिए ये रात भर रखने के बाद क्या सिचुएशन है देख लिया जाए, है ना। और देखती हूँ कि ये अच्छे से सेट किया है कि नहीं। वाह वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर सा इसका कलर आया है, मैंने थोड़ा कलर का भी यूज़ किया है तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। और आप इसे एक बार घर पे तो ज़रूर ही ट्राई करें, एक बार ट्राई करना तो बनता है। वैसे कुछ व्यूअर्स का ये रिक्वेस्ट था कि मैं आइसक्रीम का डालूं ऑरेंज आइसक्रीम, तो मैंने डाला है और इतना ज़्यादा गर्मी है कि ये बाहर निकालते ही मेल्ट कर जा रहा है। तो अब तो इंतज़ार करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगा, नहीं तो ये सारा मेल्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये आइसक्रीम जो है ऑरेंज आइसक्रीम जो है टेस्टी टेस्टी कैसा लगा? तो ठेले पर का आइसक्रीम का इंतज़ार करना छोड़े, वाह रियल इट्स वेरी टेस्टी। और देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ किया हुआ है। तो ये टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम आप घर पे ही बनाएं और बच्चों के साथ आप भी इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स आपको ये ऑरेंज आइसक्रीम घर पे बनाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर तो करें ही, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।